राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाग 4 क्रियान्वयन की रणनीति अध्याय 27 क्रियान्वयन। तो आइए सुनते हैं इसका ध्वनि पाठ। पृष्ठ संख्या 101 27 क्रियान्वयन 27.1 किसी भी नीति की प्रभावशीलता उसके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। ऐसे क्रियान्वयन के लिए कई निकायों द्वारा समन्वित एवं व्यवस्थित तरीके से बहुत सी पहल करनी होंगी और कई कदम उठाने की जरूरत होगी। इसलिए इस नीति के क्रियान्वयन को कई निकायों जिनमें MHRD, CAB, केंद्र एवं राज्य सरकारें, शिक्षा संबंधी मंत्रालय, राज्यों के शिक्षा विभाग, बोर्ड्स, NTA, स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा के नियामक निकाय, NCERT, SCERT, स्कूल एवं उच्चतर शिक्षण संस्थान शामिल हैं, द्वारा शिक्षा में शामिल सभी निकायों में योजना को लेकर आपसी समन्वय व तालमेल के माध्यम से इसके भाव एवं प्रयोजन अनुसार सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व प्रदान किया जाएगा। 27.2 क्रियान्वयन के लिए ये मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे। पहला, नीति की भावना और प्रयोजन क्रियान्वयन हेतु सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। दूसरा, नीतिगत पहलों को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति के हर बिंदु में कई कदम हैं और प्रत्येक चरण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह अगले चरण के क्रियान्वयन का आधार बनता है। तीसरा, प्राथमिकीकरण द्वारा काम को एक ऐसे क्रमबद्ध तरीके से किया जाना संभव होगा जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और अति आवश्यक कार्य पहले किए जाएं ताकि एक मजबूत नींव तैयार हो सके। चौथा, क्रियान्वयन की व्यापकता महत्वपूर्ण होगी। यह नीति एक व्यापक नजरिया या समग्रता रखती है जिसके अवयव आपस में जुड़े हुए हैं, अतः टुकड़ों में प्रयास करने के बजाय समग्र दृष्टिकोण रखते हुए क्रियान्वयन करने से ही वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। पांचवा, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अतः इसमें केंद्र और राज्यों के बीच सावधानीपूर्वक योजना निर्माण, संयुक्त निगरानी और समन्वयपूर्ण क्रियान्वयन की जरूरत होगी। छठा, संतोषजनक निष्पादन के लिए मानव संरचनागत और वित्तीय संसाधनों को समय से जुटाना अहम बिंदु है। आखिर में क्रियान्वयन हेतु किए जाने वाले विविध उपायों के बीच परस्पर जुड़ाव का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और समीक्षा सभी पहलों के एक दूसरे से प्रभावी जुड़ाव को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जरूरी होगी। इसमें कुछ ऐसे कार्यों में निवेश शामिल है, उदाहरण के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का बुनियादी ढांचा, जो न सिर्फ एक मजबूत नींव बनाने की दृष्टि से जरूरी हैं, बल्कि भावी कार्यक्रमों और कार्यों के बाधा रहित संचालन के लिए भी आवश्यक हैं। 27.3 संबद्ध मंत्रालयों के समन्वय से एवं उनसे परामर्श करके केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर विषयवार क्रियान्वयन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा, जो इस नीति के उद्देश्यों को चरणबद्ध और स्पष्ट रूप से प्राप्त करने के लिए इन सिद्धांतों के अनुसार एक विस्तृत क्रियान्वयन योजना तैयार करेंगी। पृष्ठ संख्या 102 शिक्षा मंत्रालय और राज्यों द्वारा निर्दिष्ट टीमों के द्वारा प्रत्येक क्रियान्वयन बिंदु के लिए रखे गए लक्ष्यों के अनुसार नीति की प्रति वर्ष संयुक्त समीक्षा की जाएगी और कैब के साथ साझा की जाएगी। सन 2030-40 के दशक तक संपूर्ण नीति क्रियान्वयन अवस्था में आ चुकी होगी और उसके बाद एक और व्यापक समीक्षा की जाएगी। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाग 4 क्रियान्वयन की रणनीति अध्याय 27 क्रियान्वयन। वाचन स्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।